दोस्तों, हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि हम इंसान बंदर से विकसित हुए हैं, लेकिन हम बंदर से कैसे विकसित हो सकते हैं जबकि हमारे आसपास अभी भी बंदर है। तो चलिए दोस्तों, इस गलतफहमी को दूर करते हैं और सही तरीके से जानते हैं कि आखिर हम इंसानों का विकास कैसे हुआ है, और इसे समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, ऐसे नॉलेजेबल बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। प्रोफेसर, क्या सच में इंसान बंदरों से विकसित हुआ है? और अगर इंसान बंदरों से विकसित हुआ है तो बंदर अभी भी इंसान क्यों नहीं बने हैं? पहली बात तो ये है कि इंसान बंदरों से विकसित नहीं हुआ है, और उस बंदरों से तो बिल्कुल भी नहीं जिस बंदरों को आज हम जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं अपने पिता से पैदा हुआ हूँ तो मेरे चचेरा भाई अभी भी जिंदा क्यों है? या मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया तो मेरे चचेरा भाई अभी भी डॉक्टर क्यों नहीं बन पाए? ये सवाल ही गलत है। दरअसल इंसानों का जो डीएनए है वो आम बंदरों से 93% मेल खाता है, लेकिन 99% डीएनए का हिस्सा सिंपांजियों का डीएनए से मेल खाता है। तो कुछ हद तक सही जवाब ये होगा कि इंसान बंदरों से नहीं सिंपांजी से विकसित हुआ है। अगर इंसान सिंपांजी से विकसित हुआ है तो सिंपांजी अभी भी सिंपांजी क्यों है, इंसान क्यों नहीं बने? इसे समझने के लिए हमें विवर्तनवाद को समझना पड़ेगा, और इस विवर्तनवाद को जानने के लिए हमें जीवन की उत्पत्ति से जानना पड़ेगा। तो विज्ञान के मुताबिक अभी से 3000 मिलियन साल पहले इस पृथ्वी में जीवन का कोई नामो निशान नहीं था, और ये ऐसा समय था जब जीवन इस ब्रह्मांड के निर्जीव पदार्थ से बनने वाले थे। लेकिन पृथ्वी में जीवन कैसे आया इसको लेके अभी भी मतभेद है। पर पृथ्वी में शुरुआती जीवन कैसे आया इसको लेकर जितना भी मतभेद रहे, लेकिन इसमें सभी एकमत है कि बिना पानी के पृथ्वी में जीवन का उत्पत्ति संभव नहीं था। और जीवन के उत्पत्ति के पीछे कोई एक वजह नहीं है, ये विकासवाद की सीमा को पार करने वाला कई प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं। तो शुरुआती समय में हमारी पृथ्वी में रासायनिक विक्रियाओं की वजह से जीवन का शुरुआत हुआ था। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी में कई उल्कापिंड टकराए थे, जिस वजह से पृथ्वी में मौजूद पानी में ऑर्गेनिक और केमिकल कंपाउंड्स भर चुके थे, और बिजलियों के कड़कने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और पानी में मौजूद केमिकल कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ जुड़ने लग जाते हैं, और ऐसे ही पानी में एक सिंगल सेल बनता है, और ये एकलौता ऐसा सेल था जिसने खुद को कॉपी किया और दूसरे डुप्लीकेट सेल को बनाकर अपने में से अलग किया। आज जितने भी प्रजाति पृथ्वी में मौजूद है वो सारे सिंगल सेल से बने हैं, और इस सेल में उपस्थित जीन सेल को इन्फॉर्मेशन देता है कि वो सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन करना चालू करे। और ये जो रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया था ये कुछ 1.5 बिलियन सालों तक चलता रहा, और इतने सालों में ये कई तादादों में बढ़ गया। फिर आज से कुछ 2 बिलियन साल पहले ये सब सिंगल सेल एक दूसरे के साथ कोलाइड होने लगता है, और इन दोनों के जीन एक दूसरे से कंबाइन करने लगता है, और इस वजह से फीमेल और मेल सेल बनने लगता है, और ये प्रोसेस सालों तक चलता रहता है, और वो धीरे धीरे सिंगल सेल से मल्टी सेल वाले प्राणियों में बदलने लगता है, और कई डिफरेंट वैरायटीज के प्राणियों में बदलते रहते हैं, और इससे पेड़ पौधे मछलियाँ और मानव जाति भी बनते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी में जीवन का उत्पत्ति हुआ, और धीरे धीरे वो कई विक्रियाओं के माध्यम से कई प्राणियों में परिवर्तन हुआ। अब उस टॉपिक को जानने के लिए ये टॉपिक जानना इसलिए ज़रूरी था ताकि हमें पता चले कि पृथ्वी में जीवन कैसे पैदा हुआ, और जीवन पैदा होने के बाद कैसे परिवर्तन होता है, और कैसे परिवर्तन होकर एक धीरे धीरे दूसरे प्रजाति में विकसित हो जाता है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, मनुष्य जाति बंदरों से नहीं सिंपांजी से विकसित हुए हैं, और सिर्फ डीएनए के अलावा भी कई वैज्ञानिकों के पास इसका कई प्रमाण है कि इंसान और सिंपांजी समान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इंसान और सिंपांजी प्राइमेट्स के सदस्य है, दोनों ही प्राणी बुद्धिमान, ताकतवर और अपने अपने तरीकों में श्रेष्ठ और चालाक है। समान रूप में दोनों का ही ब्रेन जटिल है। अब इसे और डिटेल्स में समझते हैं। तो इस विकासवाद के हिसाब से ज़्यादातर बंदरों का जो विकास हुआ है वो बिल्कुल नए बंदर के प्रजाति थे, वो न्यू प्राइमेट के हिस्से में आते हैं, और यही से बंदरों का विकासवाद चालू हुआ था जो 10 मिलियन साल पहले हुआ था, जिसमें ड्रिल्स, बैबोन्स और मेकाकुश जैसे और कुछ प्रजातियाँ आती है, और इसके बाद कोलाबाइंस और विक्टोरियोपैथिकस जैसे प्रजातियाँ आता है जो अभी के बंदर का पहले के प्रजातियाँ माना जाता है, जिससे बाद में कई प्रजातियों का बंदर जन्म हुआ जैसे सांगोपिथेकस और आज के बंदर। और तीसरी बात, ये जो बंदर जैसे दिखने वाले बड़े प्रजातियां हैं जिन्हें एप्स कहा जाता है, हमारे विकास उन्हीं एप्स से हुआ है ना कि बंदरों से, जिसमें गोरिला और सिंपांजी जैसे प्रजाति भी शामिल है।
वैज्ञानिकों का रिसर्च के मुताबिक हमारे पूर्वज या कह सकते हैं हमारे खानदान का पूर्वजों का जो जीवाश्म मिला है उनका कहीं ना कहीं पेड़ों में रहने का सबूत मिला है। मतलब हमारे पूर्वजों का निवास पेड़ों में था, तो इसके वजह से हमें ये कहा जाता है कि हम बंदरों से इंसान बने हैं। तो ये बात तो साफ हो गया कि हमें क्यों कहा जाता है कि हम बंदरों से इंसान हुए हैं। तो अब चलते हैं सिंपांजी इंसान क्यों नहीं बने, तो इसे समझने के लिए हम चलेंगे डार्विन के ब्रांचेस ऑफ ट्री में। क्योंकि हमें सिर्फ हमारे बारे में जानना है तो हम होमोनाइड से शुरू करेंगे। होमोनाइड्स वो भाग है जहां हमें एप्स और इंसानों का अंतर मालूम पड़ेगा। इस होमोनाइड को तीन भागों में बांटा जाता है, हेलोबेटाइड, पोंगाइड और होमिनोइड। इस पोंगाइड में ग्रेट एप्स शामिल होता है जिसमें पोंगो, गोरिला, पेंग जैसे जीव शामिल है, और होमिनोइड में हम इंसान शामिल होते हैं यानी होमोसेपियंस। ओके, इसे और भी आसान उदाहरणों में समझते हैं। जैसे आपका दादाजी से आपका माँ का जन्म हुआ है, अब आपके माँ के अंदर आपका दादाजी के आधा और आपका दादी का आधा गुणसूत्र गया है, जिससे आपका दादाजी का आधा गुणसूत्र विभाजन हो गया और आपका दादी का आधा गुणसूत्र विभाजन हो गया। अब हर एक इंसानों में टोटल क्रोमोसोम का संख्या होता है 46, माता में 46 और पिता में 46। अब जब इन दोनों से एक बच्चा पैदा होता है तो माता से 23 क्रोमोसोम और पिता से 23 क्रोमोसोम उस बच्चे में ट्रांसफर होता है। अब ये बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपने संगिनी के साथ फिर से जब बच्चा पैदा करता है तब उन दोनों से भी आधे आधे क्रोमोसोम उस बच्चे में ट्रांसफर होता है। अब हम इस बच्चे को उसका ग्रैंडफादर से कंपेयर करते हैं। अब जब बच्चे को क्रोमोसोम उसका माता पिता से मिला है तो उस बच्चे का रिलेशन उसके ग्रैंडफादर से नहीं होना चाहिए। तो ये बात सच है कि ऐसे ही रिलेशन बढ़ते बढ़ते एक लंबे समय के बाद ऐसा समय आता है जब उसके ग्रैंडफादर या उससे भी पूर्वज से रिलेशन टूटता जाता है, यानी उसका संबंध कालांतर में विलुप्त हो सकते है। अब ये बात भी प्रमाणित है कि हम सिंपांजी से इंसान बने हैं। तो आज भी सिंपांजी क्यों है? दरअसल आज के जो सिंपांजी है वो अलग कैटेगरी के है, जो पोंगाइड कैटेगरी से बिलोंग करता है, जहां से पोंगो, गोरिला और पैन जैसे जीव है। और हम इंसान होमोनाइड सिंपांजी प्रजाति से बिलोंग करते हैं, जिस प्रजाति को होमो इरेक्टस कहा जाता है, और आज हम उसी रास्ते से विवर्तन के माध्यम से होमो सेपियंस बने हैं। तो आज के इंसानों से सिंपांजी का डीएनए 99% मेल क्यों खाता है? वो इसलिए क्योंकि हम दोनों ही होमोनाइड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब पूरे बात को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हम बताए थे कि क्रोमोसोम डिवाइड होने के वजह से किसी का भी गुणसूत्र उसके वंश परंपरा में धीरे धीरे कालांतर में विलुप्त हो जाता है। इसी कारण से हम जितने भी प्राइमेट्स परिवार के सदस्य है वो धीरे धीरे अपने गुणसूत्र के हिसाब से अलग अलग प्रजातियों में बदल गए। इस टेबल को थोड़ा पॉज करके देखिए। जैसे ये प्राइमेट्स हमारे प्रजाति के जितने भी सदस्य हैं सबका परदादाजी है, फिर उनसे हमारे दादाजी, फिर चाचा, पिताजी और फिर हम, और इनमें से कई प्रजाति विलुप्त भी हो गए। तो अब समझे, ना हम बंदर थे ना बंदर इंसान बनेगा, हमारे पूर्वजों से हम अलग अलग प्रजातियों में बनते गए। और ये जो सिंपांजी है वो हमारे प्रजाति का पिछला पीढ़ी था, और इसीलिए ये हमारे परिवार के सबसे पास का रिश्तेदार है। और ये जो होमिनोइड प्रजाति थे जिनमें से हम इंसान बने, इनसे भी अलग अलग प्रजाति के इंसान बने थे, जैसे नियंदरथल, पर वो प्रजाति किसी कारण से विलुप्त होने की वजह से आज पूरे दुनिया में एक ही प्रजाति के इंसान पाया जाता है, और वो है होमो सेपियंस। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने को मिला तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।